फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइंड आउट वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन मोड इज गिवन। जब आपको क्वेश्चन में मोड दिया हुआ हो और एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके कैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे उसको आज हम सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ द मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 24। अब इसमें हमें मोड दिया हुआ है 24। फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्लास 30 to 40। 30 to 40 क्लास में हमारी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। एक्सपेंडिचर्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। एंड नंबर ऑफ फैमिलीज आर 14, 24, 27। यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। नेक्स्ट इज 15। आज हम इस क्वेश्चन में इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब हम हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हम एक्स अज्यूम कर रहे हैं। ये हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, उसको हम एक्स अज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये दोनों कॉलम क्वेश्चन में से एज इट इज आए हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें मॉडल ग्रुप फाइंड आउट करना पड़ेगा। मोड है 24। 24 हमारा 20 से 30 वाले मॉडल ग्रुप में आता है, इसलिए हमारा 20 टू 30 क्या है? मॉडल ग्रुप। नेक्स्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे, जेड इक्वल्स टू एल वन प्लस डेल्टा वन डिवाइडेड बाय डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू मल्टीप्लाई बाय आई। जेड 24 गिवन है आपको, एल वन इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप। जो मॉडल ग्रुप है उसकी लोअर लिमिट होती है हमारी L1। तो L1 क्या हो गया हमारा 20। नेक्स्ट डेल्टा वन इक्वल्स टू F1 माइनस F0। F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप। जो मॉडल ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलते हैं। F0 जो मॉडल ग्रुप के पहले वाला ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F0 बोलते हैं। नेक्स्ट है डेल्टा 2। डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे? F1 माइनस F2। F1 तो है हमारे पास, अब है F2। जो मॉडल ग्रुप है उसके बाद वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? F2। तो ये हो गया F0, F1, F2। नेक्स्ट है इसमें I इक्वल्स टू क्या होता है? इंटरवेल। I इक्वल्स टू L2 माइनस L1। L2 क्या है? अपर लिमिट है हमारी 30 माइनस लोअर लिमिट है 20। तो ये क्या हो गया? 10। I आ गया हमारा 10। अब हमें जो भी फिगर्स गिवन है उन सबको हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जेड हो गया 24, L1 20, डेल्टा 1 में F1 माइनस F0, तो F1 है 27, F0 है 23। नेक्स्ट डेल्टा 1 F1 माइनस F0। नेक्स्ट है F1 माइनस F2, ये है हमारा F1, F2 है X, इसको हमने X अज्यूम किया। I हो गया हमारा 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 27 माइनस 3 क्या होता है? 4। 27 माइनस 3 4, 27 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 10। नेक्स्ट है 24 मल्टीप्लाई बाय 10 40, 27 प्लस 4 31 माइनस एक्स। अब ये इक्वल्स टू के उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 24 माइनस 20 इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 31 माइनस एक्स। 4 इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 31 माइनस एक्स। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने पे 4 मल्टीप्लाई बाय 31 माइनस एक्स इक्वल्स टू 40। अब इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 124 माइनस 4x इक्वल्स टू 40। अब ये इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 4x इक्वल्स टू 124। यहाँ इधर प्लस के है, इधर आएंगे माइनस के, ये प्लस 40। आपका आंसर आ गया माइनस 4x
इक्वल्स टू माइनस 84 और x इक्वल्स टू क्या हो गया 84 डिवाइडेड बाय 4। तो फाइनल फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आ गई 21। जो आपका x क्या आ गया 21। इस वीडियो में हमने जब हमारा मोड गिवन है तो वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना सीखा है, लेकिन जब हमारी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो उसके लिए भी मेरा एक वीडियो है, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो।